आदि शर्मा क्लास 12 चैप्टर 9 कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 9.2 फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहले इसमें ये समझ लीजिए जो आपको यहां पर दर्ज करना है या लिखना है, ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस वाला, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कोई भी वैल्यू है इसके अंदर। इसके अलावा ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो दोनों कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है, जैसे ये वन पे चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, जो हम अभी तक करते आए हैं, एक्स बराबर वन पे चेक होना है, इसके जरा पीछे जाएंगे लेस देन वन में आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है, यानी यहां पर एक्स बराबर वन माइनस एच रखना है। जब हम आगे की तरफ जाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो क्या करेंगे, x की जगह 1 प्लस h रखेंगे और ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू इसमें डाल रहा हूं, ये होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस h बाय 2 प्लस 13 बाय 4, ये हो गया। 1 प्लस h यहां डालेंगे, 1 प्लस h माइनस 3। अब या तो आप इसको पूरा खोल के ओपन करके एच को जीरो कर दीजिए, या ऐसे भी रख सकते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इन दोनों में लगा देता हूं मैं। तो यहां आएगा 1/4, यहां पर आएगा -3/2 और यहां पर आएगा 13/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 मिलेगा। यहां पर एच जीरो कर दीजिए तो 1 - 3 होगा -2 और मॉडुलस के बाहर आएगा तो 2 हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई है आपकी, ये LHL है या RHL है, दोनों बराबर आ गई है। इसके अलावा इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी चेक करेंगे, तो F1 हमें चेक करना है, और क्योंकि ये इक्वल टू का साइन यहां है तो ये वाला चेक करेंगे। X सीधा x जगह 1 डाल दीजिए तो यही -2 मॉडुलस और ये आपका 2 आ गया। तो LHL RHL और आपका ये तीनों वैल्यू सेम हुई, इसका मतलब ये कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। तो डिसकॉन्टिन्यूस कहीं भी नहीं है, हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सवालों में जो अभी और भी आ रहे हैं आगे, आपको करना क्या है ये बता देता हूं मैं। आपको -3 पे चेक करना है, बेसिकली इसको ग्राफ से समझिए, ये आपका जीरो है, अभी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो को देखना नहीं हमें, हमें यहां -3 और 3 पे देखना है। ये आपका -3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ओके। जब x -3 से छोटा है, मतलब जब इस तरफ आएंगे आप, पहले -3 के बारे में बात कर लेते हैं, तो जब आप -3 से नीचे आएंगे तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और -3 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, यानी -3 से ऊपर, यहां पर आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आपको ये सारी चीजें लिखनी है जो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है, जैसे ये मॉड एक्स है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, इसके साथ आप कांस्टेंट जोड़ दें क्योंकि ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। -2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन एक डिग्री का। 6x + 2 ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर प्रिसाइसली कहें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं और जोड़ घटा के भी ये कॉन्टिन्यूस होंगे, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे पॉइंट यही लिखे हुए हैं, यही आपको दर्ज करना है। यहां तक हो गया, उसके बाद आप आएंगे असली मुद्दे पे कि भाई हमको डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो दो पॉइंट हो गए -3 और 3। तो -3 पे चेक करेंगे, यहां पर मैं -3 पे चेक कर रहा हूं, एक्स बराबर -3 पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो LHL में हम -3 पे हैं, तो x बराबर यहां पर -3 -h रखेंगे, यहां पर x बराबर हम -3 + h रखेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। -3 है तो -3 - h यहां पर, और इस जगह पे -3 + h। नीचे जाएंगे तो मॉड एक्स प्लस 3 रखेंगे, तो यहां पर -3 - h + 3 हो गया, और राइट हैंड साइड में आप -2x यूज करेंगे, -2 इंटू
x की जगह आप रखेंगे माइनस थ्री प्लस एच, ओके ये हो गया। अब इसमें आप यहीं पे इसमें लगा दीजिए एच टेंस टू जीरो, यहां पर भी लगा सकते हैं आप, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दीजिए, यहां जीरो हो गया, माइनस थ्री का मॉडुलस होता है थ्री, थ्री प्लस थ्री हो गया सिक्स, यहां पर भी आ जाइए, यहां पर जीरो कर दीजिए इसको, माइनस थ्री या माइनस टू, ये थ्री टू सा सिक्स हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। अब इक्वालिटी सी इक्वालिटी साइन यहां पर है ना, तो एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू माइनस थ्री पे है क्या, वो क्या है रख दीजिए यहां पर, इस ये वाला यूज करना पड़ेगा क्योंकि इक्वालिटी साइन यहां पर है, तो मॉडुलस सीधा वैल्यू रख दूं माइनस थ्री प्लस थ्री, तो आपका माइनस थ्री ये हो गया थ्री, मतलब मॉडुलस के बाद ये बाहर पॉजिटिव आएगा, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ये तीनों एक जैसी आ गई, ओके। अब हम चेक करते हैं इसको किस पे, x बराबर तीन पे, तो LHL में हम जाएंगे, LHL में हम रख लेते हैं x बराबर थ्री माइनस एच, RHL में रखेंगे x बराबर थ्री प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जाएंगे माइनस टू एक्स पे, तो माइनस टू इंटू क्योंकि थ्री तीन से कम है, माइनस टू इंटू थ्री माइनस एच, राइट हैंड साइड पे जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे, यहां हो गया, यहां जाएंगे तो सिक्स एक्स प्लस टू यूज करेंगे, सिक्स यहां पर थ्री प्लस एच प्लस टू, अब एच को जीरो रख दीजिए, यहां भी एच को जीरो रख दीजिए, तो क्या बनेगा आपका माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, ये हो गया, यहां पर क्या बनेगा एच को जीरो रख दीजिए, सिक्स थ्री सा एटीन प्लस टू बीस हो जाएगा, तो माइनस छह और बीस आ गया यहां पर, ये आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू तीन पे भी चेक करनी पड़ेगी, जैसे यहां पर माइनस थ्री पे चेक किया था तो थ्री पे भी चेक करनी पड़ेगी, थ्री पे चेक करेंगे तो क्या आएगा जी सिक्स, क्योंकि इक्वालिटी साइन कहां है आपका, इक्वालिटी साइन तो कहीं दी नहीं हुई, दिया नहीं हुआ यहां पे, तो यहां पर इक्वालिटी साइन दिया नहीं है, तो हम कैसे करें, मान के चलते हैं कि सिक्स एक्स प्लस टू है, या मान क्योंकि दिया नहीं है इसलिए हम इसको ले नहीं रहे, अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, आप बोलिए क्यों, उसका कारण यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, तो आप यहीं पे बंद कर दीजिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, किस पे, तीन पे डिसकॉन्टिन्यूस है, माइनस थ्री पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें LHL RHL और वैल्यू सेम आई है, यहां पर LHL और RHL ही सेम नहीं है, क्लियर। फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ एनी ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शन, अब आपको दिया क्या है, fx इस तरीके से दिया हुआ है, तो पहले तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अच्छा एक तरीका और है इसमें सी वाला, वो क्योंकि हम जो करते चले आ रहे हैं वैसे ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो या फिर आप इस पर जाना चाहते हैं थोड़ा सा यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा, तरीका यही है कि पहले आपको बताना है x की पावर 10 माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा की हमेशा आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा, x स्क्वायर भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब आप x इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि x बराबर 1 पे आप कर रहे हैं, इसके पीछे जाएंगे तो ये यूज करेंगे, इसके आगे जाएंगे तो ये यूज करेंगे, तो आप कर लीजिए, ये वन पे चेक करना है तो वन माइनस एच रख दीजिए, यहाँ एक्स बराबर वन प्लस एच रख दीजिए, यहां पर पहले ये यूज करेंगे तो वन माइनस एच की पावर टेन माइनस वन, यहां पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यूज करना है तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो, अब यही भी आप चाहे तो जीरो रख सकते हैं, तो वन की पावर टेन माइनस वन होता है वन माइनस वन, ये जीरो, यहां पर एच जीरो रख दीजिए तो वन स्क्वायर वन हो गया, अब ये वन हो गया ये जीरो हो गया, तो आपको क्या लगता है वैल्यू निकालनी चाहिए, वैसे निकालनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमको LHL और RHL यहां पर खुद ही दिख गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो एक काम करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं इस फंक्शन की, किस पे, वन पे, और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इक्वालिटी किसमें, इसमें, तो सीधा वैल्यू डाल दीजिए वन की पावर टेन माइनस वन, ये वन माइनस वन यानी कि जीरो, ये जीरो ये वन ये जीरो, दो दो इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है, जबकि अगर कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए तो तीनों ही इक्वल होनी चाहिए,
इसीलिए यहां पर आप कह देंगे कि साहब ये डिसकॉन्टिन्यूस है। फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसका कारण ये है कि आप आराम से चेक कर सकते हैं इसको। जीरो पे चेक करिए, वन पे चेक करिए, जीरो से नीचे ये यूज करिए, जीरो से ऊपर ये यूज करिए, फिर वन से नीचे ये यूज करिए, वन से ऊपर ये यूज करिए, और देख लीजिए ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफएक्स आपको ये दिया हुआ है। पहली चीज ये है कि आप जानते हैं साइन एक्स जो फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह पे, कॉस एक्स जो फंक्शन होता है ये हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जानते हैं एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी कॉन जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, ये है माइनस वन, माइनस वन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो आपको ये जीरो पे चेक करना है, तरीका वही रहेगा जो अभी तक हमने किया है। ये जीरो पे चेक करना है आपको, एक्स बराबर इस तरफ जाएंगे तो जीरो माइनस एच रखेंगे, इस तरफ जाएंगे तो जीरो प्लस एच रखेंगे, किस में रखना है, ये वाले पे जीरो माइनस एच, साइन जीरो माइनस एच माइनस कॉस जीरो माइनस एच हो गया। ये यहां पर तो कोई शक करना ही नहीं है आपको, माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो इसको, इसमें तो एक्स की कोई बात ही नहीं आती है। इसको देख लीजिए, साइन माइनस बेसिकली साइन माइनस एच होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये हो गया। अब इसमें आप इसको साइन जीरो कर दीजिए क्योंकि आप लिमिट लगा रहे हैं इस जगह पे, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो कॉस जीरो तो वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो आपका क्या आ गया, आपका माइनस वन आ गया, ये माइनस वन और ये माइनस वन। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी एक स्टेप बाकी है हमारा, वैल्यू चेक करेंगे इस पे जीरो पे, तो जीरो पे वैल्यू चेक करने के लिए ये इस पे रखेंगे साइन, सीधा आप सीधा वैल्यू डाल दीजिए, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो यहां माइनस वन आ गया, तो ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस वन, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन हर जगह पर। ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब सीधी सी बात यह है कि पहले तो क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी है आपको बताना पड़ेगा, माइनस टू हमारा कांस्टेंट है, टू हमारा ये टू कांस्टेंट है, टू एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे के सारे आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह पे, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो पहले तो यहां माइनस वन पे चेक होगी और यहां पर चेक होगी एक्स बराबर वन पे। ओके, तो अब आप आ जाइए यहां पे, आपको क्या करना है कि माइनस वन पे जब इधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन है ये, तो आपको माइनस टू फंक्शन यूज करना है, एक्स की जगह आप माइनस वन माइनस एच रखेंगे, एक्स की जगह यहां माइनस वन प्लस एच रखेंगे, तो बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, ये माइनस वन है ना, माइनस वन में बाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं तो माइनस टू यूज करना है, दाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं तो आपको टू एक्स यूज करना है, टू माइनस वन प्लस एच, यहां तो एच की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि एक्स ही नहीं है, ये माइनस टू है, एच को जीरो कर दीजिए तो ये माइनस टू आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपके बराबर होते हैं। इसी तरीके से इस फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पे क्या लेंगे, क्योंकि इक्वालिटी साइन यहां पर है तो इसमें तो माइनस टू ही है कॉन्स्टेंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गई, आपकी फंक्शन की वैल्यू उस पे, तो इसका मतलब यह है कि एक्स बराबर माइनस वन पे तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जहां हम बात करेंगे वन की, वहां भी चेक करना जरूरी है, उसको यहां चेक कर लेते हैं। तो इस तरफ जाएंगे तो वन माइनस एच यूज करेंगे, इस तरफ जाएंगे तो वन प्लस एच यूज करेंगे एक्स की जगह, और जब हम एक्स से पीछे जा रहे हैं, वन से पीछे जा रहे हैं, तो एक्स लेस देन वन है ये, तो टू एक्स यूज करना है, ऊपर जा रहे हैं तो टू यूज करना है, तो यहां पर तो वन प्लस एच रखने की कोई संभावना ही नहीं है, यहां पर वन माइनस एच रखने की संभावना है, और एच को यहीं पर जीरो कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, यहाँ टू आ गया, ये जीरो हो गया, ये टू आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि इक्वालिटी यहां पर है, फंक्शन की वैल्यू किस पे देना है, वन पे, वो तो टू दिया ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, आपके फंक्शन की वैल्यू की,
तो माइनस वन पे भी कॉन्टिन्यूस है और वन पे भी कॉन्टिन्यूस है, ध्यान रहेगा ये फंक्शन सब पे कॉन्टिन्यूस है जो वैल्यू पॉइंट ऑफ कंटेंशन दिया हुआ है। लेकिन ये सब चीजें जरूर लिखनी है आपको, इसमें बेसिकली एक्सरसाइज ही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है। अगला सवाल जो है इसमें, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब इसमें k की वैल्यू निकालनी होती है, तो k की वैल्यू निकालने का तरीका तो हम पहले भी सीख चुके हैं। ये कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट निकाल लीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स बाय आपका 5x, ये आपको बराबर करना है f जीरो के, क्योंकि यही बात होती है लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी अगर f जीरो करेंगे तो वो तो बड़ी बात है कि 3k के बराबर ही दिया हुआ है, पहले लिमिट लगा देते। अभी है साइन 2x, तो आपको नीचे 2x चाहिए है ना, यानी कि 2 चाहिए बेसिकली, x ऑलरेडी है तो यहाँ पर 2 कर दिया, ये x ले लिया और क्योंकि 2 यहाँ लिया है तो 2 यहाँ करना पड़ेगा, ये 5 कहाँ रहेगा, ये 5 बाहर रहेगा, तो अब इसको इधर ले लेते हैं और लिमिट लगा देते हैं साइन 2x बाय 2x। ओके, अब लिमिट जब लगाएंगे साइन थीटा बाय थीटा ये 1 हो गया तो 2/5 आया, किसके बराबर करना है आपको 3k के बराबर, के कितना आ गया ये नीचे ले जाएंगे 2/15, ये इसका उत्तर हो गया, के है 2/15। अब क्योंकि ये 4.1 4.2 इस तरीके के सवाल है तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सब में इसी तरीके से करना है आपको, ये 2 के बारे में कंटेंशन का पॉइंट है लेकिन आपको इक्वेट कर देना है। तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। अब LHL और RHL क्यों निकाल रहे हैं, आप कहेंगे पिछले वाले फंक्शन में तो सीधा लिमिट लगाया, इसमें क्यों लगा LHL RHL करना है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर दोनों में x है यहाँ पे। ओके, जब दोनों में x होगा यानी कि x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं, जब आप लेस देन जाएंगे तब भी आपका x है इसमें, ऊपर जाएंगे तो भी x है आपका, है ना, इस कारण से LHL और RHL को इक्वेट करते हैं। देखिए क्या है? तो यहां पर क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं तो x की जगह यहां 2 माइनस एच रख दीजिए, यहां पर x बराबर 2 प्लस एच रखना पड़ेगा, यहां आ जाइए k 2 माइनस एच रखिए, यहां पर x की जगह 2 प्लस एच रखिए, तो ये 2k माइनस के एच प्लस 5 है और ये 2 प्लस एच और माइनस 1 है, एच को 0 कर दीजिए, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें और इसमें लगा दें, 2k प्लस 5 आ गया, एच यहां 0, 2 माइनस 1 1 हो गया, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो 2k बराबर हो गया 5 पे चले जाइए, 1 माइनस 5 हो गया माइनस 4, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, k आपका हो गया माइनस 2, तो ये इसकी उत्तर इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके के और भी सवाल है जिसमें आपको ये k निकालना होगा और करना यही है कि दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए बराबर करिए। सो इस तरीके का सवाल और भी है, ये हम अगली बार करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।